Instagram. हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल रॉयल एटिंग में। गाइस कुछ इस तरीके एटिंग आज करने वाले हैं हम, जो भी पिक्सार्ट की मदद से सोनी जैक्सन जैसी। तो जरूर से वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। तो गाइस मैं बता देता हूँ आपको किस तरह का फोटो क्लिक कराना है। तो गाइस कुछ इस तरह का फोटो आपको क्लिक करा लेना है। सिर पे हाथ रख के आप मोबाइल DSLR किसी से भी फोटो को क्लिक करा सकते हैं। तो कुछ इस तरह का फोटो सिर में हाथ रख के, तो गाइस इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से मैं क्रॉस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से करता हूँ डिस्कार्ड। तो गाइस मैंने फोटो को कर लिया है ओपन पिक्सार्ट के अंदर। तो हम यहाँ से एड फोटो पे क्लिक करेंगे और बैकग्राउंड को लेके आएंगे। तो यहाँ से बैकग्राउंड को कर लिया एड, इसे थोड़ा बड़ा करेंगे और यहाँ से थोड़ा इसे साइज को एडजस्ट करके कुछ इस तरीके से यहाँ से हम इफेक्ट में जाएंगे और इफेक्ट में जाके हम यहाँ से डालेंगे इसमें ब्लर, और यहाँ से ब्लर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे हम इसे राइट, और यहाँ से भी कर देते हैं इसे राइट। तो गाइस हमारा बैकग्राउंड हो चुका है रेडी। तो यहाँ से हम एड फोटो पर क्लिक करेंगे और अपने मॉडल को लेके आएंगे। इस मॉडल का बैकग्राउंड मैंने पहले से इरेज कर रखा है गाइस। तो सिंपली इस बैकग्राउंड को मैं यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ से जगह पर सेट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। अब गाइस हम इसे कपड़े पहनाएंगे स्पाइडर मैन के। तो मैं सिंपली एड फोटो पर क्लिक करूँगा, स्पाइडर मैन के PNG वाले कपड़े यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। गाइस ये PNG मैंने ऑलरेडी काट रखी है कपड़ों की, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी लगाने में। तो यहाँ मैं अच्छे से इन्हें सेट कर लेता हूँ। पहले इसे साइड पर ले जाके कुछ इस तरीके से इसको भी साइड में ले जाते हैं और हाथ के क्लॉथ पर लगाते हैं कुछ इस तरीके से। और गाइस नकाब, तो नकाब को हम अपनी जगह पे लगा देते हैं सिर के ऊपर कुछ इस तरीके से। और गाइस नीचे का क्लॉथ है जिसको भी हम अच्छे से यहाँ से सेट कर देते हैं बीच में। गाइस कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आसानी से इसको कर लोगे। तो यहाँ से छोड़ा कर देते हैं और इसे थोड़ा सा यहाँ से ऊपर से भी बड़ा कर लेते हैं और यहाँ से कर देते हैं गाइस हम राइट। तो गाइस हम इसमें आइस लगाएंगे, तो आइस की PNG लेके आएंगे। तो हम वापस एड फोटो पे क्लिक करेंगे और आइस की PNG लेके आएंगे और दोनों आँखों पर इसे एडजस्ट कर देंगे छोटा करके कुछ इस तरीके से। तो छोटा करके हम इसे लगा देते हैं आँख पर और इसकी ओपेसिटी को हम कर लेते हैं कम। और यहाँ से ब्रश पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको इरेज कर लेंगे। गाइस अब दूसरी आँख की बारी, तो इसे भी हम छोटा करके यहाँ पर अच्छे से सेट कर देते हैं और छोटा करते हैं इसको और यहाँ से कर देते हैं इसके ओपेसिटी को कम। और इरेजर पर क्लिक करेंगे और यहाँ के बाकी के पार्ट को इसको एक्स्ट्रा को यहाँ से इरेज कर देंगे। गाइस यहाँ से कर देते हैं हम राइट। गाइस हम लेके आएंगे हम यहाँ टेक्स्ट PNG स्पाइडरमैन का। तो यहाँ से फिर से हम एड फोटो पर क्लिक करेंगे और स्पाइडरमैन का टेक्स्ट PNG लेके आएंगे। तो यहाँ से कर देते हैं एड। मार्वल स्टूडियो को हम लगाएंगे ऊपर की तरफ छोटा करके थोड़ा। तो यहाँ से हम ऊपर की तरफ सेट कर देते हैं इसे कुछ इस तरीके से। स्पाइडरमैन 2 को हम थोड़ा बड़ा करेंगे और इस 2 को हम हटा देंगे यहाँ से। इरेजर पर क्लिक करेंगे और यहाँ 2 को हम हटा देंगे। 2 हमें नहीं चाहिए, केवल अमेजिंग स्पाइडरमैन हम चाहिए, तो हम वही रखेंगे। यहाँ से कर देंगे राइट और इसे नीचे ले जाके अच्छे से कर देते हैं सेट कुछ इस तरीके से। और यहाँ से कर देंगे राइट। तो फाइनली गाइस हमारा पिक्सार्ट के अंदर फोटो हो चुका है रेडी। अब इसके हम रीटचिंग और कलर करेक्शन करेंगे, जो करेंगे हम लाइट रूम के अंदर। तो सिंपली यहाँ से हम इसे कर लेते हैं सेव और इसे ओपन करते हैं लाइट रूम के अंदर। तो गाइस मैंने लाइट रूम ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर एड फोटो पे क्लिक करेंगे और हम फोटो को लेके आएंगे। तो यहाँ से हम फोटो पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर एड पे क्लिक करते हैं और यहाँ से फोटो को कर लेते हैं सेलेक्ट। तो गाइस इसमें हम ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट को सेट करेंगे। तो यहाँ से हम ब्राइटनेस पे क्लिक करेंगे और इसकी एक्सपोजर को कर लेंगे कम, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, हाईलाइट को भी थोड़ा कम कर लेते हैं, यहाँ से शेडोज को कर लेते हैं इंक्रीज, वाइट बैलेंस को भी कर लेते हैं थोड़ा ज़्यादा, ब्लैक को कर लेते हैं कम और यहाँ शेडोज को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। और तो हम आएंगे कलर में, तो यहाँ पर कलर पर क्लिक करते हैं, मिक्स टूल पर क्लिक करते हैं और यहाँ से ऑरेंज कलर को हम सेलेक्ट करते हैं और इसकी सेचुरेशन को कर लेते हैं कम कुछ इस तरीके से। तो गाइस हमारी फेस थोड़ा डार्क टाइप में हो जाएगा।
और इसके लुमिनेंस को थोड़ा बढ़ा लेते हैं जिससे हमारा लाइट हो जाएगी स्क्रीन, और रेड को क्लिक करते हैं और यहाँ से इसके भी हुई को थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, और ब्लू कलर को भी देख लेते हैं कुछ इस तरीके से, सेचुरेशन को नीचे कम करना है, यहाँ से कर देते हैं डन। तो गाइस हमें क्लैरिटी बढ़ानी है तो यहाँ क्लैरिटी पर क्लिक करेंगे, क्लैरिटी को ज़्यादा कर लेंगे और तो थोड़ा इसमें विग्नेट इफेक्ट डालेंगे, तो विग्नेट को हम कर लेते हैं थोड़ा कम। और गाइस हम यहाँ से डालेंगे शार्पनिंग, तो शार्पनिंग पर सिंपली हम क्लिक करेंगे और यहाँ से शार्पनिंग को थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे और नॉइस को भी यहाँ से इंक्रीज कर लेंगे। तो फाइनली गाइस हमारा फोटो हो चुका है रेडी, देख लीजिए गाइस फुल एचडी में रेडी हुआ है हमारा फोटो। तो देख लीजिए गाइस पिक्सआर्ट में कुछ इस तरीके का हमने कुछ बनाया है लाइटरूम में इस तरीके का। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो जरूर से कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, जब तक के लिए अलविदा।